तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। योगी तो सरकार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। अधिकारी सरकार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। बलात्कारियों का संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हत्यारों का संरक्षण बंद करो, झूठे वादे बंद करो। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले जो दोषी हैं उस लड़की के साथ जो किया, जो दोषी सिंगर है विधायक, उसको तुरंत तत्काल उस पर कार्रवाई हो, उसे बर्खास्त किया जाए, उसका मंत्री पद छीना जाए। और दूसरी बात कि न्याय मांगने के लिए गया जो पिता है उसको थाने में मार मार के उसकी जान ले ली गई, तो ये हत्यारों की सरकार है, ये लाशों पर राजनीति कर रही है। इस राजनीति को तत्काल बंद किया जाए और जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, उन्हें सजा दी जाए। क्या आप लोग राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे? राष्ट्रपति शासन की नहीं, सबसे पहले तो उस पर कार्रवाई हो और योगी सरकार का ही हटना। योगी सरकार के काल में जो जो चीज़ें घट रही हैं, जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, जिस तरह से स्त्रियां जो है एकदम असुरक्षित सड़कों पर, घरों में हर जगह असुरक्षित है, और जिनको चुन चुन के हम लोग भेज रहे हैं संसद में और विधानसभाओं में, वही सबसे बड़े दानव साबित हो रहे हैं और लड़कियों के असमत के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इनको जनता के सामने, हम जनता को यह मैसेज है कि इन सभी को गद्दे से उतार कर इनकी औकात दिखाई जानी चाहिए। तानाशाही शासन बिल्कुल है, कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की खाल में तानाशाही चल रही है और एक खास मजहब का, एक खास पार्टी का सरकार चल रहा है, और सब कुछ लूट मार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, सारी घटनाएं जो है इस शासन में हो रही है, जिसने पिछले सारे शासन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैम, आपने एक पोस्टर लिया हुआ है, इस पोस्टर में 9 तारीख की कुछ घटनाओं का जिक्र है जी, भाजपा को लेकर। इस पोस्टर को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये पोस्टर आपने क्यों लिया है? कौन सा पोस्टर? ये जो 9 साल की ये जो आसिफा, हाँ, इनके मिला के पूरे देश भर में अब ना बच्ची देखा जा रहा है, ना बूढ़ी देखा जा रहा है, बस औरत की का मांस हो जिसको नोचा जा सके। ये और ये सारा काम ज्यादातर सत्ता से जुड़े हुए विधायक, सांसद, पुलिस प्रशासन, ये सारे लोग कर रहे हैं, और इनके खिलाफ इनको जनता एक दिन सजा सुनाएगी, इनको जनता की दरबार में सजा मिलेगा। लेकिन इनको जब सजा मिलेगा तो सजा मिलेगा, लेकिन इस सरकार को नष्ट नाबूद करना आज के लेखकों, सांस्कृतिक कर्मियों, बुद्धिजीवियों और तमाम प्रगतिशील संगठनों का यह दायित्व बनता है कि इन्हें तत्काल इस सरकार को उखाड़ फेंके, और इसके लिए सभी एकजुट हो रहे हैं।